हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सर्दी आते ही हम लोग तरह तरह के पराठे बनाते हैं और ठंडियों में भी हमें गर्मा गर्म पराठे खाने का मज़ा मिलता है। तो आज हम बहुत ही टेस्टी आलू मटर का पराठा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये देखिए, मैंने आलू को बॉईल कर लिया है, इधर मटर को भी मैंने बॉईल कर लिया है, काली मिर्च जीरा का पेस्ट बना लिया है दरदरा, इधर लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, इधर धनिया पत्ता और इधर प्याज। अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल सॉफ्ट होने तक पकाना है। फिर इसमें मैं कुछ जो मसाले मैंने पीसे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें पिसे हुए मसाले डाल देती हूँ। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ उबले हुए। मटर को भी डाल देती हूँ। और मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें नमक मिला के अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें धनिया का पत्ता डाल के गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखिए, मैं तैयार हो चुका है। अब मैं आटे को गूंद लेती हूँ। फिर मैंने आटा लिया है। अब मैं इसमें नमक हल्का सा ऐड कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने नमक और तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को अच्छे से गूंद लेती हूँ। ये देखिए, मैंने आटे को गूंद लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए, ये देखिए मैंने ऐसे पेड़े बना के रख लिए हैं। अब मैं इसकी स्टफिंग करूंगी। को हल्के हाथ से हम लोग बेल लेते हैं। मैंने इसे बेल लिया है। अब मैं इसे तावे पर डाल देती हूँ। पलट लेते हैं, लेते हैं। अब मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। अब इसी तरह हम सारे पराठे बना लेते हैं। ये देखिए, मेरा पराठा बन के रेडी हो चुका है। और इधर साथ में टमाटर की चटनी, धनिया टमाटर की चटनी है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।